नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नज़र आज के हेडलाइंस पर। मुख्यालय में मीडिया प्रभाग द्वारा 3 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम। समाधान परक पत्रकारिता पर बुद्धिजीवियों ने किया चिंतन मंथन। यातायात एवं परिवहन प्रभाग ने निकाली सुरक्षित भारत सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल यात्रा रैली। माउंट आबू से बीकानेर तक सुरक्षित यात्रा के लिए फैलाएंगे जागरूकता। जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रह्म कुमारीज के साथ मिलकर चलाए जाने वाले राष्ट्रीय अभियान आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर का आगाज किया। इसी के चलते संस्था के मीडिया प्रभाग ने 3 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें चर्चा का विषय रहा समाधान परक पत्रकारिता से समृद्ध भारत की ओर। सम्मेलन में भारतीय जनसंचार संस्था के निदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव शर्मा, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश वर्मा, मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा, उपाध्यक्ष बीके आत्म प्रकाश, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके सुशांत, मुख्यालय संयोजक बीके शांतनु, संस्था के पीआरओ बीके कोमल, ओम शांति मीडिया के संपादक बीके गंगाधर ने चर्चा के विषय पर गहराई से चिंतन मंथन करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि समाज को नई दिशा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक खबरों को प्राथमिकता देनी चाहिए। समाधान मूलक पत्रकारिता, सोल्यूशन बेस्ड जर्नलिज्म, क्योंकि आज तक हमें बताया जाता रहा है, पढ़ाया जाता रहा है कि हमारा काम सवाल खड़े करना, हमारा काम प्रश्न पूछना है। जो ईश्वरीय यात्रा पर होते हैं, जो आध्यात्मिक यात्रा पर होते हैं, जिनका ईश्वर के साथ साक्षात संवाद होता है, ऐसे लोग सिर्फ सवाल खड़े नहीं करते, वे उन सवालों से जूझते हैं, उनके सुंदर हल तलाशते हैं और एक सुंदर दुनिया बनाने के लिए काम करते हैं। जो पहला सॉल्यूशन स्वयं मीडिया के लिए जरूरत है कि मीडिया इंफॉर्मेशन देने के बदले डिसीजन लेना शुरू कर दिया है, ये सही है ये गलत है, तो फिर मीडिया को कहने लगे अरे ये तो उनका मीडिया है, ये इनका मीडिया है। फिर कभी कभी ऐसी भी पेड मीडिया है, इस प्रकार सब भाषाएं मीडिया के ऊपर आता है। केवल खबरें संप्रेषित करना पत्रकारिता का काम नहीं है, लोक रुचि का परिष्कार, समाज विशेषकर युवा पीढ़ी के सामने सेवा, बंधुत्व और राष्ट्रभक्ति के आदर्श यानी आइकॉन रखना एक नई राह दिखाएगा। सजगता, निर्भयता, सत्यान्वेषण और मानवीय चेतना, यही समाधान कारक पत्रकारिता के मूल तत्व हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दूसरे दिन देश भर में होने वाली सभा, सम्मेलन, संगोष्ठी आदि कार्यक्रमों की राष्ट्रीय लॉन्चिंग की गयी। इसी राष्ट्रीय अभियान के तहत संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा माउंट आबू से बीकानेर तक सुरक्षित भारत सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल यात्रा रैली निकाली गई, जिसके जिला परिवहन कार्यालय आबू रोड पहुंचने पर जिला परिवहन अधिकारी पीआर जाट ने सभी सेफ्टी मैसेंजर्स यात्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि मन की एकाग्रता सुरक्षित यात्रा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और ब्रह्म कुमारी संस्था मन की एकाग्रता बढ़ाने का कुशल प्रशिक्षण देती है। सर, चूंकि मैं इस ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ, ये बड़ी अच्छी बात है, जहाँ एक संस्थान हमारे पैरेलल ही और एक सुरक्षित भारत के रूप में सड़क सुरक्षा के लिए काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। वो क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में कई सारे कारण होते हैं, कई इंजीनियरिंग के कारण भी होते हैं, कई सड़क के रोड इंजीनियरिंग की वजह से होते हैं, कई लापरवाही की वजह से होते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है जो एकाग्र मन वाली बात की है। इस रैली में यातायात एवं परिवहन प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कुंती, मुख्यालय संयोजक बीके सुरेश और सड़क सुरक्षा समिति के उपाध्यक्ष बीके सत्येंद्र भी मौजूद रहे। उन्होंने इस अभियान से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां देने के साथ सुरक्षित यात्रा के लिए कई सावधानियां भी दी। जो व्यसनों के प्रभाव में आकर के, शराब के नशे में होकर के गाड़ी चलाने से जो दुर्घटनाएं होती हैं,
या आवेश में जोश में आकर के बहुत तेज गति से वाहन चलाने से दुर्घटनाएं होती हैं, जो भारत में दुर्घटनाओं के सबसे दो प्रमुख कारण है। उसमें कमी लाने के लिए मन को सशक्त बनाना, मन को एकाग्र बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी के लिए ब्रह्मा कुमारीज का यातायात परिवहन प्रभाग आध्यात्मिक शिक्षा भी देता है, और ब्रह्मा कुमारीज के सहयोग से जो मेडिटेशन का ट्रेनिंग कराया जाता है वो भी जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर प्रोजेक्ट की ऑनलाइन लॉन्चिंग के दौरान दुनिया भर में फैले ब्रह्मा कुमारीज के सभी सेवा केंद्र भी जुड़े थे। इन सेवा केंद्रों पर शहरों के कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। आइए दिखाते हैं सबसे पहले लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र की तस्वीरें, जहाँ यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, महापौर संयुक्त भाटिया मौजूद रही। सेवा केंद्र प्रभारी बी के राधा ने मोदी जी द्वारा लॉन्च किए गए 7 अभियानों का जिक्र करते हुए कहा कि मार्च के अंत में हम इन 7 अभियानों की शुरुआत गोमती नगर सेवा केंद्र से करेंगे। ऐसे ही जयपुर के राजाबाग सेवा केंद्र पर कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के ऑडियो मैसेज से किया गया। मैं आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर शीर्षक से चलाए जा रहे समस्त वार्षिक कार्यक्रमों के लिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय को शुभकामनाएं देती हूँ तथा उनके सेवा भाव को वंदन करती हूँ। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय पाल सिंह, जयपुर सबजोन प्रभारी बी के पूनम मौजूद रहीं। ऐसे ही अनेक सेवा केंद्रों पर भी आयोजन हुए, जिनमें विशिष्ट अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा की गई पहल के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। चलिए दिखाते हैं आपको उनकी झलकियां। बड़ी प्रसन्नता है कि ब्रह्म कुमारीज इस आजादी के अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि असली आजादी अंग्रेजों से तो हम आजाद हो गए, लेकिन असली आजादी है जबकि हमारी आत्मा विकारों से आजाद होगी। वही प्रत्येक व्यक्ति की आजादी होगी जब सबकी आत्माएं उनके विकारों से आजाद हो जाएगी और एक सत्युग का निर्माण होगा। दर्शकों, हमारा आपका साथ निरंतर 10 सालों से चलता आ रहा है। इन 10 सालों में कई दौर आए, जैसे कोरोना काल, लेकिन पीस न्यूज हमेशा ब्रह्मकुमारी संस्था की
प्रत्येक गतिविधियों से आपको वाकिफ कराने का निरंतर प्रयास करता आ रहा है। अपने इसी प्रयास में एक नई पहल करते हुए हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम लाए हैं। यह एक एनालिसिस प्रोग्राम है जिसमें हम महत्वपूर्ण खबरों पर गहराई से चिंतन मंथन और अध्ययन करके उस खबर का व्यापक रूप आपके समक्ष पेश करते हैं। इस प्रोग्राम का प्रसारण 23 जनवरी से पीस ऑफ माइंड टीवी पर चालू हो गया है। इसे आप ओम शांति यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। अब कुछ खबरें एक नजर में। इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र में मनाया शांति स्तंभ का प्रतीक, सभी ने परिक्रमा करने के साथ किए पुष्प अर्पित। सेवा केंद्र प्रभारी बी के जयंती ने ब्रह्मा बाबा की महानता का किया वर्णन। गया के एपी कॉलोनी सेवा केंद्र पर मनाया गया ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस, सेवा केंद्र प्रभारी बी के सुनीता समेत सभी ने कैंडल जलाकर दी पुष्पांजलि। गुरुग्राम के पालम विहार सेवा केंद्र पर बनाया गया चार धाम का मॉडल, नॉर्थ केप यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर प्रोफेसर प्रेमव्रत और नॉर्वे के पूर्व एम्बेसडर एस के माथुर ने भी दी श्रद्धांजलि। पंजाब के पठानकोट सेवा केंद्र पर पहुंचे विधायक अमित विज समेत शहर के कई चर्चित लोग, सेवा केंद्र प्रभारी बी के सत्या ने किया स्वागत, शांति स्तंभ पर पुष्प अर्पित कर दी सभी ने भावभीनी पुष्पांजलि। बरेली के सिविल लाइन्स एवं अमला सेवा केंद्र पर भी ऐसा ही आयोजन, सेवा केंद्र पर ही बनाया चार धाम, ब्रह्मा बाबा को स्मृति पुष्प अर्पित करने के साथ विश्व में शांति स्थापना के लिए किया योग। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें। पीस न्यूज बुलेटिन और हमारा नया कार्यक्रम सबरंग देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।